गैस जो Xiaomi का सिक्योरिटी ऐप है उसके अंदर एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी ऐप के अपडेट के बारे में, क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये अपडेट आपको करना चाहिए कि नहीं, तो वीडियो को पूरा देखना। और गैस अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं तो गैस उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोगों में से कोई भी Xiaomi का फोन यूज करे तो उनको पता होगा यहाँ पर आपको जो है बैटरी एंड परफॉर्मेंस मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसी के रिगार्डिंग वीडियो है। गैस यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप अपडेटर में जाना है, सिस्टम एप्स अपडेट के अंदर आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी ऐप का न्यू अपडेट जो कि ऑल ओवर जो है Xiaomi के डिवाइसेस के अंदर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो वर्जन आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर गैस जो नीचे आप देख रहे हो ये इसका जो अपडेट है वो कुछ दिन पहले आया था 29 मार्च को, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट वो 6.1 का कुछ वर्जन आपको देखने को मिलता है, 1.3 लास्ट में आपको देखने को मिल जाए कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड है। और जो कुछ दिन पहले एक न्यू अपडेट देखने को मिला था उसका लास्ट में जो आपको 1.2 देखने को मिलता है, और जो है शुरुआत में आपको 6.0 देखने को मिलता है, और लेटेस्ट अपडेट में आपको 6.1 देखने को मिलता है। तो ये कुछ अपडेट है गाइस, लेटेस्ट अपडेट जो कि कुछ दिन पहले आया था, अभी जो है कुछ देर पहले एक न्यू अपडेट देखने को मिला है सिक्योरिटी ऐप के अंदर। तो लेटेस्ट अपडेट को आपको कर लेना है, आपको चेक करना अपना अपडेटर, आपको जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा, आपको जो है लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है अपने सिक्योरिटी ऐप को। गाइस सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से होम स्क्रीन देखने को मिलता है। होम स्क्रीन के अंदर आपको कुछ भी न्यू देखने को नहीं मिलेगा MIUI 13.5 तक। यहाँ पर गाइस बैटरी एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन इनेबल्ड देखने को मिलता है, ये जो फीचर है कई सारे ऐसे फोन से जिनके अंदर जो फीचर इनेबल्ड नहीं था, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद आपके फोन में अगर ये फीचर इनेबल नहीं था बैलेंस एंड परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पर आई थिंक सो इनेबल हो सकता है इस अपडेट के बाद। तो आपको जो है इस वर्जन में अपडेट कर लेना है और आपको चेक करना है कि आपके जो फोन के अंदर ये फीचर देखने को मिला है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे फोन से जिनके अंदर जिसको ऐड कर दिया गया है इस सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने के बाद। एंड दूसरे चेंज की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गेम टर्बो के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो तो गेम मोड का जो UI है थोड़ा बहुत जो इसके अंदर चेंजेस करे गए, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको नीचे में लिखा हुआ नहीं आता था, यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैंने जैसे परफॉर्मेंस मोड में स्विच किया या फिर बैलेंस मोड में किसी में स्विच करते हो तो यहाँ पर आपको टोटली डिटेल बता दिया जाएगा कि इसके अंदर जो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है अगर अपने फ़ोन में अगर आप जो है परफॉर्मेंस मोड को यूज़ करते हो गेम के टाइम में, तो आपको थोड़ा वो जो है हीट प्रॉब्लम हो सकता है और जो बैटरी है थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन आपको देखने को मिल सकता है, तो टोटल जो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। एंड गैस यहाँ पर अगर Xiaomi के डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो उसके अंदर आपको डुअल ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और उसको अगर आप इनेबल करके रखते हो तो वहाँ पर जो आपको इस गेम स्क्रीन के अंदर आपको डुअल ऐप्स को ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है शॉर्टकट के अंदर, तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिलता है। आप जो है इजिली यूज़ कर सकते हो डुअल एप्लीकेशंस को गेम स्पेस के अंदर। तो गाइस यही था सिक्योरिटी ऐप का कुछ न्यू अपडेट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो गाइस उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ आपको कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।